आज जो है 4 जून है और आज लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे जो है आने हैं और हम सबको पता है कि जो मतगणना है ये शुरू हो चुकी है और इसमें नागपुर की अगर हम बात करें जो नागपुर की हाई प्रोफाइल सीट की और पूरे देश की निगाहें लगी थी, वैसे ही नागपुर वासियों की भी निगाहें लगी हैं कि कौन बनता है अगला सांसद। और अभी जो है मतगणना शुरू हो चुकी है और उसमें जो पहले नतीजे आने शुरू हुए हैं उसमें ऐसा दिखाई दे रहा है कि नागपुर से नितिन गडकरी ये आगे चल रहे हैं तो विकास ठाकरे ये अभी पीछे चल रहे हैं और रामटेक से भी पारवी जो है ये आगे चल रहे हैं। ऐसे नतीजे जो है अभी आना शुरू हो चुके हैं लेकिन पूरा दिन बाकी है और भी गिनती बाकी है, इसमें आगे क्या होता है ये देखने वाली बात है। फिलहाल जो है मतगणना शुरू हो चुकी है, पोस्टल मतों की गिनती हो चुकी है और अब जो है ईवीएम मशीन द्वारा जो वोट हुए थे उसकी गिनती शुरू हो गई है और बस पूरी जो स्थिति है ये चंद घंटों में जो है क्लियर हो जाएगी। लेकिन जो स्थिति अभी शुरू हुई है मतगणना शुरू होने के बाद जो सामने आई है उसमें नागपुर से जो है नितिन गडकरी ये आगे चल रहे हैं ऐसा दिखाई दे रहा है। पूरा दिन बाकी है और भी गिनती होनी है, आगे होता क्या है ये देखने के लिए आप BCN के साथ बने रहिए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।